हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं किमामी सेवई, जो कि ईद में हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए सेवई, और इसको हम लोग जब तक ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। और सेवई को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। और ये खोया है, देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने काट दिया है खोए को। और इसके बाद ये चीनी, खोया और ड्राई फ्रूट्स रेडी हो चुका है। और अभी हम लोग कढ़ाई में ऑयल दे दिया है, और इसके बाद इसके लिए हमें दूध भी चाहिए। तो कढ़ाई में ऑयल देने के बाद हम लोगों ने दो तीन इलायची जो है उसकी छोंक दी है। अभी हम लोग इसमें दूध ऐड करेंगे, जो कि ये जो सेवई है हम लोग दूध में ही बनाते हैं, इसमें पानी हम लोग ऐड नहीं करते हैं। और ये दूध में बनाने से बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसीलिए हम लोग अभी इसमें दूध ऐड कर देंगे। और इसके बाद दूध को हम लोग अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे तब तक जब तक कि इसमें ना उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद जो दूध को हम लोग गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। और इसी तरह से देखिए आप लोग, दूध जो है उबल रहा है, और हम लोग इसमें धीरे धीरे से हिलाते रहेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अभी देखिए दूध पूरा उबल रहा है, और धीरे धीरे से ये जो है गाढ़ा भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। तो सेवई हम लोगों ने ली थी आधा केजी, तो इसमें हम लोग चीनी ऐड करेंगे एक केजी। जितनी क्वांटिटी में हम लोग सेवई लेंगे उससे दो गुना ज़्यादा चीनी ऐड करेंगे। तो अभी चीनी ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो दूध है इसको फिर से हिलाते रहेंगे जब तक इसमें टार ना आ जाए दूध का। तो अभी हम लोग इसे हिलाते रहेंगे धीरे 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 से। अभी हम लोग जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स काट के रखा था तो उसे दूध में दे देंगे। उसे थोड़ा पकने से जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसे सब हम लोग ड्राई फ्रूट्स दे देंगे। ये देखिए दूध किस तरह से उबल रहा है, और बहुत गाढ़ा भी हो गया है। और इसके बाद जो हम लोगों ने खोया काट के रखा था तो इसे ऐड करेंगे। जब तक खोया, दूध, चीनी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक इसे हम लोग हिलाते रहेंगे। इसका कलर भी देखिए चेंज हो रहा है थोड़ा सा, खोया को मिला देने से दूध का कलर भी चेंज हो गया। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि खोया सॉफ्ट हुआ कि नहीं। अभी हम लोग इसको हिलाते रहेंगे और खोया को मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए खोया जो है मिक्स हो गया है। अब इसे हम लोग जो सेवई फ्राई करके रखा था तो इसे धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम लोग ये हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये जो सेवई है नहीं तो पूरा लग जाएगा, इसीलिए हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा देके हिलाते रहेंगे। देखिए किस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने ये सेवई बनाया है। तो आप लोग ये चिंता मत कीजिए कि इसको बनाने के लिए बहुत तकलीफ़ होगी। इसे बनाने के लिए ये बनाने के लिए बहुत इजी है, और बहुत टेस्टी भी है, और सभी को अच्छा भी लगेगा खाने में। तो इसी तरह से आप लोग ईद में ये सेवई बनाइए। देखिए हम लोग का जो सेवई है अभी रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा सा और हम लोग सूखने के लिए देंगे, और मेरी तो हिंदी ठीक नहीं है, हमें बार बार कहती हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और
मुझे सुधारने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। और आप लोग मेरा जो ये चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार ईद मुबारक। और ये जो सेवें हैं, आप लोग इसे एक महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं।